देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई है। गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। देश भर में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। 2,200 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। 1,92,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 568 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 62,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र के पालघर में विरार के कोविड अस्पताल में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। विरार पश्चिम में विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई। 13 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बरकरार है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 26,169 नए मामले सामने आए। इसके अलावा 306 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से अपील की है कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। कई अस्पतालों में कुछ घंटों का ही ऑक्सीजन स्टॉक है जबकि कुछ जगहों पर अंतिम वक्त में ऑक्सीजन पहुंचा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना से हो रही मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ट्वीट किया कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी है जिस कारण कई लोगों की मौत हो गई है। ये भारत सरकार पर निर्भर करता है। हरियाणा में 58,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में करीब 10,000 नए बीमारों की पुष्टि हुई है। 55 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली से सटे जिलों की हालत खराब है। गुरुग्राम में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 3,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने झज्जर की पुलिस लाइन में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। सभी कोरोना वॉरियर्स विशेष रूप से बधाई की बात। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। पानीपत में ऑक्सीजन प्लांट से हरियाणा और दिल्ली के अलावा बाकी राज्यों को जाने वाली आपूर्ति में कुछ कठिनाई आई है, उसे ठीक कर दिया गया। कोरोना काल में लचर होती स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सेवा। सोनीपत के सिविल अस्पताल में एम्बुलेंस को धक्का देकर स्टार्ट करने की तस्वीरें सामने आई। फरीदाबाद में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लिंडे प्लांट के अस्पतालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनेगा जिसकी फरीदाबाद पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। ग्रीन कॉरिडोर में बिना बाधा के अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। कैथल की सब्जी मंडी में चेतावनी देने के बावजूद लोग सामाजिक दूरी बनाने के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मंडी में लोग खुलेआम बिना मास्क घूम रहे हैं। सब्जी मंडी में किसी भी पुलिस कर्मचारी की ड्यूटी नहीं लगी। कोरोना की आड़ में निजी अस्पतालों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। फरीदाबाद एनआईटी के वेदांता हॉस्पिटल पर मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर नाइट कर्फ्यू को लेकर सिरसा पुलिस मुस्तैद रही। पुलिस ने शहर भर में राउंड लगाया और लोगों को जागरूक किया। कोरोना काल में महंगाई ने आम आदमी को परेशान कर दिया है। फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। दोगुने दामों पर फल बेचे जा रहे हैं। शाम 6 बजे से बाजार बंद किए जाने के आदेश की जाखल में कुछ दुकानदारों ने प्रशंसा की तो कुछ दुकानदारों ने नाराजगी जताई। यमुनानगर में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सरकारी अधिकारियों की रेकी करने की खबर सामने आई है। खुलासा व्हाट्सएप चैट में सामने आया है। तेज हवाओं के बाद आई बरसात से रादौर अनाज मंडी में पड़ा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। पिछले कई दिनों से उठान की धीमी गति के चलते मंडी में खरीद एजेंसी हैफेड और वेयर हाउस के करीब 2.5 लाख क्विंटल गेहूं के बैग खुले आसमान के नीचे पड़े। फतेहाबाद में कलयुगी मां ने अपने एक दिन की बच्ची को सड़क किनारे फेंक दिया। इसकी सूचना जब स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिली तो बच्ची को सड़क से उठाकर नागरिक अस्पताल लाया गया। करनाल के रामनगर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक को अचानक दर्जन भर बदमाशों ने घेर लिया और मारपीट की।
बल्लभगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हार्डवेयर चौक से प्याली चौक तक जाने वाली आरएमसी सड़क के काम का शुभारंभ किया है। लाखों लोगों को फायदा मिलेगा।